19 साल में ही मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी गई और मेरा पति एक डेविल था। पर ये जबरदस्ती की शादी मेरे माँ बाप ने नहीं करवाई थी, क्योंकि मैंने तो आज तक अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं था। मुझसे शादी उस डेविल ने अपनी मर्जी से की थी। मैं इश्की कॉलेज के थर्ड ईयर में ही थी। अपने सेमेस्टर ब्रेक में कुछ दिनों के लिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के घर रहने के लिए गई थी, और उसी दौरान मिशा के भाई राजवीर सिंघानिया की शादी थी। राजवीर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। मिशा के पूरे घर में, यहाँ तक कि पूरे शहर में भी हर कोई राजवीर से डर के ही रहता था। मुझे तो उनसे इतना डर लगता था कि जब भी मिशा के घर में मुझे उनकी आवाज भी सुनाई देती थी तो मैं अपने रूम से बाहर तक नहीं जाती थी। मैंने उन्हें बस एक बार छुप के देखा था। हालांकि दिखने में वो बहुत हैंडसम थे, पर उनकी गहरी काली आंखें देख के ही मेरे पसीने छूट गए थे। राजवीर की शादी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी संजना से होने वाली थी। शादी घर में ही थी और सब तैयारियों में लगे हुए थे। शादी के दिन जब राजवीर और संजना मंडप में बैठे थे तो अचानक पूरे हॉल की लाइट्स चली गई और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी के होश उड़ गए। और राजवीर ने संजना को मंडप से उठाया और उसे और उसके पिता को घर से बाहर फेंक दिया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंडप में बैठाया और मुझसे शादी कर ली। इस शादी को रोकने की हिम्मत ना मुझ में ना राजवीर के घर वालों में थी। कुछ ही पलों में मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। जिस इंसान की मैं सिर्फ आवाज से डर जाती थी, वही इंसान, वो डेविल आज मेरा पति था। जब शादी के बाद मुझे राजवीर के कमरे में भेजा गया तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मेरे होश ही उड़ गए। और राजवीर ने मुझसे कहा कि वो तो 6 महीने से मुझसे ही शादी करना चाहते थे। शादी को अब 1 महीना हो गया था और तब से राजवीर हर रात हमारे बेडरूम से कनेक्टेड बस अपने स्टडी रूम में चले जाते थे और रात में कभी बेडरूम में नहीं आए। मैं इस बात से खुश भी थी, पर कहीं ना कहीं मुझे अजीब भी लग रहा था। एक रात जब हिम्मत करके मैं राजवीर को देखने उनके स्टडी रूम में गई तो राजवीर वहां भी नहीं थे। बेडरूम डोर के अलावा उस कमरे में बाहर से आने जाने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। तो ऐसे हर रात कहाँ गायब हो जाते थे राजवीर? और मैं तो राजवीर के घर में कुछ ही दिन पहले आई थी और मैं उनसे कभी मिली तक नहीं थी। तो वो 6 महीने से मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? अगर उन्हें मुझसे शादी करनी ही थी तो उन्होंने संजना से शादी का प्लान क्यों बनाया था और क्यों फिर संजना को घर से बाहर निकाल दिया था? आखिर क्यों पूरी दुनिया, यहाँ तक कि राजवीर के घरवाले भी उनसे इतना डर के रहते थे? क्या था राज उनके स्टडी रूम का? और क्या सच में मेरा पति एक? मैं ये सब सोचते हुए जैसे ही राजवीर के स्टडी रूम से बाहर आई तो राजवीर बिल्कुल मेरे सामने थे। उन्हें सामने देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा था कि वो आज मुझे जान से ही मार देंगे, पर हैरानी की बात ये थी कि राजवीर ने मुझे कुछ भी नहीं बोला और बस मुझे एक स्माइल देके सीधा अपने स्टडी रूम में चले गए। मुझे अब और भी डर लग रहा था कि कहीं आज राजवीर रूम में तो नहीं आने वाले थे। मैंने फटाफट मीशा को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। खेल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कोई गलती ही नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इश्की बोली, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रहे हो जैसे खुद नहीं डरती उनसे। मिशा बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ किया ही नहीं है, सो चिल। इश्की दबी हुई आवाज में बोली, चिल की बच्ची, मैं यहाँ तेरी वजह से फंसी हूँ। ना मैं तेरे कहने पर घर आती और ना ही ये सब होता। आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। मिशा बोली, अच्छा अगर इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। इश्की बोली, जहाँ जान का खतरा होता वहाँ नींद कहाँ आती है? मिशा चढ़ते हुए बोली, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना सोने का, चादर तान कर सो जा और मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी था। मिशा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। मिशा के फोन काटते ही इश्की चढ़ते हुए खुद से बोली, मिशा की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? सुबह होने दे, फिर बताती हूँ तुझे। ये कहते हुए इश्की चेंज करने चली गई स्टडी रूम में। राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर के कॉल पिक करते ही समर बोला, सर संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है, मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। राजवीर डेविल स्माइल के साथ बोला, करने दो, उसके बाद जो होगा वो संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसने राजवीर सिंघानिया को कम आंकने की गलती कर दी है। समर ने पूछा, तो सर अब आगे क्या करना है? राजवीर बोला,
सबसे पहले केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सभी को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो, एंड मेक श्योर कि सजा लंबी हो। ये सुनने के बाद समर ने फिर से पूछा, सर इस संजना का क्या करना है? राजवीर बोला, उसे जो करना है करने दो, उसके बाद तुम्हारे पास जो फोटोज हैं उन्हें लीक कर देना। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। समर बोला, ठीक है सर। उसके बाद राजवीर ने फोन कट कर दिया और काम पूरा कर अपने रूम में चला आया। राजवीर जैसे ही रूम में गया उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां इश्की सिर से लेकर पैर तक खुद को कवर करके सो रही थी। उसे देख राजवीर स्माइल करते हुए कपड़े निकाल कर चेंज करने चला गया। उसके आते ही इश्की कस कर अपनी आंखें बंद कर खुद से बोली, ओ गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है, मैं डेविल से पहले सो जाना चाहती थी। इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ गया। उसने इश्की के बगल में लेटकर उसी की कंबल को अपने ऊपर डाल लिया। उसके ऐसा करते ही इश्की के दिल की धड़कन तेज चलने लगी। उसकी हरकतों से राजवीर जान गया कि इश्की सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। राजवीर इश्की की तरफ पलट गया और मुंह से कंबल को हटा दिया। उसने देखा कि इश्की ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अब भी सोने का नाटक कर रही थी। इश्की आंखें बंद किए हुए ही बोली, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है, मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा, कहाँ हो यार, प्लीज मुझे बचा लो। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखने लगा, फिर उसके कान के पास जाकर बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इश्की खुद से बोली, यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग करनी भी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले तब क्यों नहीं किया, कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बच तो जाती। जब राजवीर ने ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही है, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत से इश्की ने अपनी आंखें खोल ली और राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने अब अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इश्की ने पहली बार राजवीर को इतने करीब से देखा था। वो खुद से बोली, डेविल तो है लेकिन हैंडसम डेविल है। ये कहते ही उसके कानों में राजवीर की आवाज सुनाई पड़ी, मुझे देखना बंद करो, मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है, इसलिए अभी सो जाओ। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सो गए। कुछ देर में इश्की भी सो गई। सुबह का वक्त, राजवीर की नींद खुली तो उसकी नजर इश्की के मासूम चेहरे पर चली गई। इश्की सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक इश्की को देखने लगा। आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी। जिसे वो प्यार करता है इश्की उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज्यादा सुकून भरा पल उसके लिए क्या हो सकता है। राजवीर ने कुछ देर तक इश्की को देखा और फिर उसे धीरे से साइड में लिटाकर फ्रेश होने के लिए चला गया। इश्की अभी भी आराम से सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई है। ये देख राजवीर मुस्करा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलट कर सो गई। इसलिए राजवीर नीचे चला गया। उसने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्णव और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा वह प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। राजवीर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा तभी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? राजवीर बिना पलटे बोला, ऑफिस। तभी दादी बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो, अभी शादी की कई रस्में बाकी हैं। राजवीर पलट कर बोला, कैसी रस्में? दादी बोली, बहुत सी रस्में होती हैं और आज इश्की की मुंह दिखाई है। तभी राजवीर बोला, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी, मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए ये सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्णव बोले, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी इश्की के लिए ये सही नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है, वो बाहर के लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी। दादी बोली, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्णव बोले, ठीक है,
ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ? तभी पीछे से मिशा बोली, पक्का घोड़ा तबेला बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने, रसोई की रस्म? इश्की अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो उसकी मेहरबानी है। राजवीर सबकी बात सुनकर फिर ऊपर चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो मिशा ने जो कहा था वही हुआ। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। राजवीर ने उसे आवाज लगाई, इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई। इश्की बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज। राजवीर बोला, नहीं अभी उठो। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? पर जैसे ही उसने राजवीर को देखा तुरंत चुप हो गई। राजवीर ने पूछा, क्या कह रही थी अभी? इश्की धीरे से बोली, कुछ नहीं सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आप हो। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ही यह एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे किस किया है तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ। इश्की बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर आता देख राजवीर ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? इश्की बोली, वो मिशा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे कपड़े वही है ना। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। राजवीर ने उस ओर बिना देखे ही अंदर आने को कह दिया। एक सर्वेंट अंदर आई, उसने अपने हाथ में एक थाल पकड़ी हुई थी। वो अंदर आकर बोली, सर ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। ये सुन राजवीर उससे बोला, ठीक है यहाँ रख दो। उसके बाद सुन वो सर्वेंट सामान रखकर वहां से चली गई। उसके जाते ही राजवीर इश्की से बोला, चलो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी फिर सामने रखी साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है, मुझे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं, अब क्या करूं, मिशा को बुलाती हूँ। ये कहते हुए इश्की कुछ सोचने लगी फिर खुद से बोली, नहीं नहीं मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगी। ओह गॉड कहाँ फंसा दिया आपने। इश्की को कुछ सोचते हुए देख राजवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ? अब जाओ रेडी होने के लिए। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई। कुछ देर बाद इश्की फ्रेश होकर बाहर आई और रूम के चारों ओर देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इश्की ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखने लगी। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी और जैसे तैसे करके साड़ी पहन ली। फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली तूने इश्की, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूंगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने साड़ी क्यों दी, मुझे पहनना नहीं आता, मैंने वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो लिया है लेकिन ये खुल ना जाए। ये सुनकर कोमल कुछ देर इश्की को देखने लगी। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोमल इश्की से बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बस इसे थोड़ा सा ठीक करना है, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इश्की को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी को ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल अपनी वार्डरोब से एक इयररिंग सेट को निकालकर इश्की को देते हुए बोली, ये पहन लो। इश्की ने उनसे वो इयररिंग सेट लेकर उसे पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इश्की नीचे आई मिशा उसके पास आकर बोली, क्या बात है इश्की, उप्स भाभी। ये सुनकर इश्की उसको घूर कर देखते हुए बोली, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी बोली, इश्की आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गईं। ये देख मिशा हंसते हुए दादी से बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बोली, माँ मैं बना देती हूँ, इश्की कड़ची चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। दादी बोली, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है,
इसलिए मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। तभी मिशा बोली, फिर तो ले लिया आपने खाने का स्वाद। दादी बोली, तुम चुप करो, मैं तो बोलती हूँ तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना चाहिए। दादी की बात सुनकर मिशा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी। तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? इश्की ने चुड़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ बना रही हूँ। मिशा बोली, अरे तो चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो समझाया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो एक स्पून ही खाएंगी। इश्की बोली, तो क्या मैं सिर्फ एक ही स्पून बनाऊं? मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही शादी में फंसती। मिशा बोली, अरे तो फिर से वही बात कर रही है? इश्की पूछती है, तो और क्या कहूँ, पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उसे शादी के लिए। जिसने किया उससे करवाए ना ये सब। हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती हैं? लड़कों से भी करवाना चाहिए। इश्की बोली, ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं भी आती हूँ। ये बन गया है, तू थोड़ा ध्यान देना। ये सुनकर मिशा ने ठीक है कहा तो इश्की वहां से चली गई। क्या राजवीर कभी बता पाएगा अपने दिल की बात? क्या इश्की इस रिश्ते को अपना पाएगी? क्या होगा इस जबरदस्ती के रिश्ते का आने वाला कल? गैस अभी भी ऑन था क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अभी बाकी था, जिसे देखकर मिशा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी डाली ही नहीं थी, इसलिए मिशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? इश्की हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बन तो गया है, लेकिन मैं चीनी डालना ही भूल गई। कोमल बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब जाकर डाल दो। इश्की बोली, हाँ आंटी मुझे कुछ काम है, मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। ये देख कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर से न भूल जाए, मैं ही डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और गैस ऑन करके हलवे में फिर से 4 स्पून चीनी डालकर चम्मच चलाने लगी, फिर गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो देखा कि वहां कोई नहीं था। वो खुद से बोली, मिशा को मैंने यहीं रहने को कहा था लेकिन वो तो चली गई, अब मैं क्या करूं? खैर ये सब बाद में करती हूँ, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इश्की ने भी हलवे में 4 से 5 स्पून चीनी डाल दी। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे, तभी इश्की सभी के लिए हलवा लेकर आई और सभी लोगों को सर्व करने लगी। इसके बाद इश्की सबके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मिशा खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गई? कहीं बाद में इश्की ने तो चीनी नहीं डाल दी? मिशा बेटा चुप ही रहियो और इश्की को तो कुछ मत बताइयो, क्योंकि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोमल भी अपने मन में सोचने लगी, ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी, फिर भी ये इतना मीठा कैसे है? वहीं बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें। तभी उनके कान में इश्की की आवाज आई, क्या हुआ? आप लोग बता नहीं रहे हैं कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। अर्णव बोले, हलवा बहुत अच्छा बना है। इश्की बोली, सच में? दादी बोली, हाँ हाँ सच में हलवा अच्छा बना है। इश्की बोली, ठीक है तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही इश्की ने ये कहा, सभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। इश्की शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे इश्की तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की नासमझी में रूही को देखकर पूछने लगी, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? रूही बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी जिसे सबने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गए ना, तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही इश्की बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही बोली, क्योंकि तुम वाइफ हो उसकी।
रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? दादी बोली, हाँ इश्की, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। मिशा बोली, पर दादी इश्की भाई को यह हलवा कैसे दे सकती है? दादी मिशा को डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अभी हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। इश्की बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। दादी बोली, ये हलवा तुमने बनाया है ना, तो मेड को क्यों भेजूं, तू जाकर खुद ही दे आ। इश्की कोमल की तरफ आस भरी आंखों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिर में इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना पड़ा। इश्की के वहां से जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने, आपको पता है ना हलवा कितना मीठा था, और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है, अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो, उसने इश्की को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी बोली, अरे कुछ नहीं कहेगा वो, मुझे पता है राजवीर इश्की को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है। वहीं मिशा रूही के पास जाकर बोली, दीदी ऐसा क्यों किया आपने, मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। रूही बोली, मुझे और कुछ समझ में नहीं आया कि इश्की को कैसे रोकूं, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाया नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे की चाशनी बना दी। कोमल बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, तो मैंने डाल दिया, लेकिन इश्की को बताना भूल गई, लगता है उसने भी चीनी डाल दी। ये सुनते ही मिशा अपने मन में बोली, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी थी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज्यादा मीठी हो गई। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर दादी बोली, चल कोमल मेरे रूम में, नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, इसलिए शगुन देना तो बनता है, चलो चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल बोली, ठीक है माँ। फिर दोनों वहां से चले गए। राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी इश्की रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि पीछे इश्की है, वो उसे बिना देखे बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म। इश्की राजवीर की आवाज सुन थोड़ी डर गई, फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर बोला, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहां से जाने लगी। तभी राजवीर बोला, अब कहाँ जा रही हो। इश्की बोली, मिशा के पास। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। इश्की को यह सुनकर कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो जाने लगी, तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया, वैसे ही उसके मुंह में हलवे का स्वाद भर गया। वो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हुई। राजवीर ने हलवा खाते ही इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी, तो राजवीर ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया है। ये सुन इश्की ने ना में सिर हिला दिया। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है। राजवीर बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लेती। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को एक निवाला खिलाया। जैसे ही इश्की ने उसे खाया, वो तुरंत पानी लेकर पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। राजवीर बोला, हाँ कुछ ज्यादा ही मीठा है। ये कहते हुए राजवीर हलवा खाने लगा। उसे देख इश्की बोली, अरे आप क्यों खा रहे हैं, ये तो बहुत मीठा है। ये सुन राजवीर इश्की की तरफ देखकर प्यार से बोला, तो क्या हो गया, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने पूरा हलवा खा लिया। इश्की को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी। कुछ देर बाद वो भी वहां से चली गई। मिशा का रूम। इश्की मिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिशा की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे, मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। मिशा अपनी सफाई देते हुए बोली, यार मेरी कोई गलती नहीं थी, कसम से मैंने तो बिल्कुल ठीक मात्रा में चीनी डाली थी, बाद में मॉम ने भी डाल दी और फिर तूने भी, इसलिए चाशनी तो बननी ही थी। ये सुन इश्की बोली, तो मैं जब उस डेविल के पास लेकर जा रही थी तब क्यों नहीं बताया। मिशा बोली, यार अगर मैं तुझे कुछ कहती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती।
इश्की मिशा को पकड़कर उसे मजाक से मार रही थी कि तभी कोमल रूम के अंदर आकर बोली, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मिशा उसके पीछे छिपते हुए बोली, मॉम बताओ इसे कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। ये सुन कोमल हैरानी से बोली, आपने भी मतलब और किसने डाली थी जो? तभी इश्की बोली, इस मिशा की बच्ची ने। कोमल बोली, तभी इतनी ज्यादा मीठी हो गई, खैर छोड़ो इन बातों को। इश्की ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा है। इश्की बोली, इसकी क्या जरूरत थी आंटी? कोमल बोली, जरूरत थी इश्की, अब तुम इस घर की बहू हो। ये सुन मिशा बोली, मॉम वैसे ये क्या है? कोमल बोली, ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे इश्की को दे रही हूँ। ये सुनते ही इश्की बोली, नहीं आंटी मैं इतना महंगा तोहफा कैसे ले सकती हूँ। कोमल बोली, इश्की मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो, इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है, और अब ये हार भी तुम्हारा है। ये कहते हुए कोमल ने उस हार को इश्की को दे दिया। उसके बाद कोमल रूम से चली गई। फिर मिशा और इश्की आराम से बैठकर बातें करने लगी। तभी दोनों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई जिस पर लिखा था कि 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा, जिसे देखकर वो दोनों ही खुश हो गईं। तभी इश्की बोली, ओह फाइनली कॉलेज ओपन हो रहा है, अब कम से कम हम 9 से 5 तक कॉलेज में रहेंगे, थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। मिशा बोली, सही में यार इन दिनों कुछ ना कुछ हो ही रहा है, हर दिन कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है। दोनों बात कर रहे थे कि तभी रूही आकर बोली, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज है, मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की बात सुन मिशा बोली, मतलब कि तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली? ये सुन रूही बोली, ओ हेलो भूलो मत कि तुमसे पहले वो कॉलेज मेरा था। मिशा बोली, था अब नहीं है। वो दोनों लड़ रहे थे कि तभी इश्की बोली, दी अच्छा है कि आप क्लब की डायरेक्टर बनने वाली हैं, अब मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज। रूही बोली, क्यों नहीं इश्की तुम आ जाना ऑडिशन देने। कुछ देर और उन तीनों ने बातें की, उसके बाद इश्की अपने रूम में चली गई। इस वक्त राजवीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वहीं इश्की जाकर आराम से बेड पर लेट गई और खुद से बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में, वैसे कुछ भी कहो उस डेविल की भी स्मेल अच्छी है। तभी राजवीर स्टडी रूम से बाहर आया और उसने इश्की की सारी बातें सुन ली थी। ये सब सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो धीरे धीरे चलकर इश्की के पास आया और उससे पूछा, कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की हड़बड़ा गई और बोली, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना क्या? राजवीर बोला, मैं सुन नहीं पाया तभी तो पूछ रहा हूँ। ये सुन इश्की बोली, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। राजवीर ने कहा, चलो ठीक है मान ली तुम्हारी बात। फिर राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा ये बताओ तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो? इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी तो राजवीर बोला, बताओ। फिर इश्की बोली, मिस्टर सिंघानिया। राजवीर बोला, हाँ ये तो तुम मुझे मेरे सामने कहती हो। ये कहते हुए राजवीर इश्की के एकदम करीब जाकर बैठ गया, जिससे इश्की को घबराहट होने लगी, साथ ही उसे एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। राजवीर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? ये सुन इश्की ने डरते हुए राजवीर को देखा और बोली, तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया ही बुलाती हूँ। राजवीर बोला, नहीं प्रिंसेस सच बताओ मुझे। राजवीर ने इश्की के फेस पर आ रहे बाल को उसके कान के पीछे किया। इश्की को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। राजवीर ने इश्की से फिर से पूछा, बताओ इश्की क्या कहती हो मुझे? इश्की हकलाने लगी और बोली, वो मैं। इश्की इससे आगे कुछ कहती कि तभी राजवीर बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ बोलो आगे। फिर इश्की धीरे से बोली, डेविल। ये कहते ही इश्की ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली। क्या होगा राजवीर का रिएक्शन? क्या इश्की को राजवीर पसंद आने लगा है? आखिर क्या है राजवीर का इरादा? क्या इश्की समझ पाएगी अपनी फीलिंग्स? राजवीर इश्की को देखकर मुस्कुरा दिया और उससे पूछा, डेविल मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो?
राजवीर की बात सुनकर इश्के ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। फिर अपने मन में बोली, पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं। तभी राजवीर ने फिर से पूछा, बताओ। उसकी बात सुनकर इश्की बोली, मुझसे शादी। राजवीर बोला, तुमसे शादी तुम्हें किडनैप करके थोड़े ना की थी। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, जबरदस्ती तो की थी ना। राजवीर बोला, नहीं उसे जबरदस्ती नहीं कहते। इश्की ने पूछा, तो फिर इसे क्या कहते हैं। राजवीर बोला, इसे अपना हक जताना कहते हैं। ये सुन इश्की ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। राजवीर प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, बहुत डिफरेंस है। इश्की ने पूछा, और वो क्या है। राजवीर बोला, सही समय पर पता चल जाएगा। ये सुन इश्की धीमी आवाज में बोली, दुनिया में कैसे कैसे प्राणी रहते हैं। राजवीर ने जैसे इश्की की बात सुनी वो उसे जवाब देते हुए बोला, भिन्न भिन्न प्रकार के। राजवीर का जवाब सुन इश्की अब कुछ नहीं बोली। वहीं राजवीर ऐसे ही कुछ देर इश्की को देखता रहा, फिर उससे पूछा, तो तुमने अपना सारा सामान हमारे रूम में सेट कर लिया। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर बोला, तुम्हारे कॉलेज खोल रहे हैं तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इन बातों का ध्यान रखना। इश्की राजवीर की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। फिर राजवीर बोला, कॉलेज में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मैरिड हो, और ना ही मेरे बारे में बताना। इश्की ये सुनकर मन में बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का कि मेरी इतनी छोटी उम्र में एक डेविल से शादी हो गई है। इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी फिर से राजवीर की आवाज उसके कानों में आई, ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरी वजह से परेशान करे। ये सब कहते हुए राजवीर बेड पर लेट गया और इश्की को भी अपने करीब लेटा लिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, और हाँ, लड़कों से दूर रहना, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है किसी से। ये सुनते ही इश्की अपना सिर उठाकर बोली, मैं कुछ नहीं करती। राजवीर बोला, मुझे तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे पता है। ये सुन इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो सब तो मिशा करती है, मैं कुछ नहीं करती सच में। उसकी बात सुन राजवीर बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हो। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया। तब राजवीर बोला, मुझे पता है तुमने एक लड़के को बाथरूम में बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। ये सुनते ही इश्की ने रोने सी शक्ल बना ली और वहां से भागना चाहती थी, पर अभी वो डेविल की बाहों में थी इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी इश्की अपनी सफाई देते हुए बोली, वो तो इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को परेशान किया था। राजवीर बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। राजवीर के मुंह से बार बार प्रिंसेस सुनकर इश्की चिढ़ गई और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ये आप मुझे ऐसे निकनेम देना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। राजवीर इश्की की बात सुनकर बोला, कैसे निकनेम तुम्हें पसंद नहीं। इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, यही प्रिंसेस, बाबू, सोना, जान, जानू और बेबी टाइप के, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राजवीर इश्की की बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि अभी इश्की उसके सामने थोड़ा सा ही सही लेकिन खुल रही थी और उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा था। राजवीर बोला, ठीक है, फिर वैसा ही निकनेम देता हूँ जैसा तुमने मुझे दिया है। ये सुन इश्की कंफ्यूज होकर राजवीर की तरफ देखने लगी। तभी राजवीर बोला, तो मैं तुम्हें चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, खून पीने वाली या फिर पिशाचनी कहकर बुलाऊंगा। राजवीर की ये बातें सुनकर इश्की को गुस्सा आने लगा और वो खुद को राजवीर से छुड़ाने लगी, लेकिन राजवीर की पकड़ मजबूत थी। राजवीर ने पूछा, अब क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे स्टाइल से निकनेम दिया है। इश्की बोली, आप बहुत बुरे हो। राजवीर ने इश्की की बात सुनकर पूछा, क्यों, डेविल तो बुरे ही होते हैं, अब मैं भी हो गया तो इसमें नया क्या है। इश्की अपने मन में बोली, मुझे इनके सामने सोच समझ कर बात करनी होगी। राजवीर को इश्की को अपनी बाहों में लेकर बहुत सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से इश्की के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर सो गया। अगली सुबह राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया, उसके बाद उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि इश्की अभी भी सो रही थी। ये देख राजवीर ने अपने मन में सोचा, ये कितना सोती है, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। उसके बाद राजवीर इश्की के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इश्की ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दी। राजवीर सीधा नीचे गिर गया लेकिन वो नहीं उठी।
ये देख राजवीर जल्दी से उठा और टेबल पर रखे पानी का जग उठाकर पूरा पानी इश्की के ऊपर डाल दिया, जिससे इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ मैं डूब जाऊंगी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। इश्की गुस्से से राजवीर को देखने लगी और फिर बोली, आधी रात को कोई किसी को ऐसे उठाता है क्या भला? इश्की की बात सुनकर राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, आधी रात? सुबह के 8 बजे तुम्हारे लिए आधी रात हो रही है? वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, आधी दुनिया कब की जाग चुकी है। राजवीर की इस बात पर इश्की तपाक से बोली, तो आधी दुनिया तो सो रही है ना? राजवीर इश्की के फेस पर हाथ रखकर बोला, हाँ आधी दुनिया सो रही है, क्योंकि वहां अभी भी रात हो रही होगी। राजवीर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, कल से अगर तुम टाइम पर नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठाकर बाथटब में फेंकाऊंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की धीरे से बोली, कल से तो उठना ही है जल्दी, कॉलेज जो खुल रहे हैं। राजवीर बोला, कॉलेज नहीं भी होगा तब भी जल्दी ही उठना है। ये सुन इश्की कुछ नहीं बोली और उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए धीरे से बोली, सच में ये डेविल है, बच्ची को सोने भी नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद राजवीर रेडी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। राजवीर के जाते ही इश्की नीचे जाकर सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी घर में एक लड़के की आवाज आई, मॉम डैड दादी दीदी कहाँ हो आप सब? देखो मैं आ गया। ये आवाज सुनकर मिशा इश्की से बोली, लो आ गया तेरा दीवाना, अब बहुत जल्द ये दीवाने से देवदास बनने वाला है। जब इसे पता चलेगा कि जिस लड़की को ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था वो लड़की अब उसकी भाभी बन गई है। मिशा की बात सुनकर इश्की हंसते हुए बोली, वैसे भी मैं कभी भी इसे शादी के लिए नहीं मानने वाली थी, तो कायदे से ये बाद में भी देवदास ही बनता। ये सुन मिशा बोली, हाँ ये बात भी सही है, वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि हम दोनों जुड़वा हैं तो इसमें इतने डिफेक्ट कैसे आ गए। इश्की बोली, क्योंकि सारी क्वालिटी तूने ले ली होगी इससे। ये कहते हुए दोनों हंसने लगती हैं। तभी वो लड़का भी डाइनिंग टेबल पर आ गया और इश्की को देखकर बोला, हाय मेरा ये बेचारा दिल, तुम इतनी सुंदर लगोगी तो कभी ये धड़कना ना भूल जाए। ये सुन मिशा तपाक से बोली, वैसे मेहर अगर तेरे दिल का हाल राजवीर भाई को पता चला तो वो खुद तेरे ओपन हार्ट सर्जरी कर देंगे। ये है मेहर, मिशा का भाई, जो मिशा से आधा घंटा बड़ा है। मिशा की बात सुनकर मेहर ने उससे पूछा, भाई भला ऐसा क्यों करेंगे, अब तो उनकी शादी भी हो गई है ना, वैसे अगर मैं दूसरी कंट्री में नहीं फंसा होता तो मैं उनकी शादी में जरूर आता। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ मेरी प्यारी भाभी कहाँ है, मुझे भी मिलना उनसे। ये सुन मिशा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं जरूर मिलो अपनी भाभी से। ये कहते हुए मिशा इश्की के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी उप्स हमारी भाभी मिसेज इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनकर मेहर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, भाई तो संजना से शादी करने वाले थे ना। मिशा बोली, उनसे करने वाले थे कि नहीं, उन्होंने संजना से नहीं इश्की से शादी की है। मेहर ये सुनकर अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगा तो कोमल जी ने हां में गर्दन हिला दी। अभी सभी को मेहर की हालत पर हंसी और तरस आ रहा था। तभी मिशा बोली, इसलिए मैंने कहा अपने दिल को संभाल कर रखना, कहीं भाई को पता चला तो सच में ऑपरेशन कर देंगे। उसकी बात सुन मेहर ने गुस्से से मिशा को देखा और बोला, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलती, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये सुन मिशा बोली, सिर्फ आधा घंटा बड़ा है तो ज्यादा उछल मत। ये सुनकर मेहर इशा को इग्नोर करके इश्की की तरफ देखते हुए बोला, इश्की माना कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो, तुम ही तो उन्हें डेविल बोलती थी, फिर डेविल से शादी कैसे कर ली। मेहर की बात सुनकर इश्की बोली, मैं क्या पागल दिखती हूँ जो खुद जाकर उनके साथ मंडप में बैठ जाती, वो तो उन्होंने ही अपना डेविलपन दिखाया और मेरा हाथ पकड़कर शादी कर ली, उन्होंने शादी करने से पहले मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। तभी अर्णव बोले, अच्छा अच्छा बस करो, जो हो गया सो हो गया, मेहर अब से तुम इश्की को भाभी कहना ताकि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। ये सुन इश्की बोली, नहीं अंकल इसे मेरे नाम से ही बुलाने दीजिए, भाभी बोलेगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। उसकी बात सुन मेहर बोला, हाँ डैड प्लीज अब ये भाभी वाला जुल्म मत करिए मेरे ऊपर, आपको क्या लगता है मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ जो अपनी भाभी पर लाइन मारूंगा,
मान लो मैंने ऐसा किया भी तो आपको क्या लगता है उसके बाद मैं जिंदा बच पाऊंगा? मेहर की बात सुनकर मिशा बोली, और नहीं तो क्या, राजवीर भाई तुम्हें इसी दुनिया में नर्क के दर्शन करा देंगे। फिर अर्णब बोले, ठीक है लेकिन ध्यान रखना क्योंकि तुम राजवीर को अच्छे से जानते हो। उसके बाद अर्णव मिशा और इश्की की तरफ देख कर बोले, कल से कॉलेज खुल रहा है तो अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और खास करके मिशा तुम हर बार लास्ट आती हो, कभी कभी सेकंड लास्ट भी आ जाया करो फॉर द न्यू चेंज। मिशा बोली, डैड आप मुझे क्यों डांट रहे हो, आपको पता नहीं है क्या बच्चों में उनके पेरेंट्स की क्वालिटी आती है? आई एम श्योर मेरे में आपकी क्वालिटी आई है। मिशा की ये बात सुनकर सभी लोग जोर से हंसने लगे। तभी अर्णव बोले, अच्छा जी ये बात है तो भूलो मत राजवीर भी मेरा ही बेटा है जिसमें भी मेरी ही क्वालिटी है। ये सुनकर मिशा तुरंत बोली, हाँ तो कुछ केस में हो जाते हैं। ये सुनकर एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए और अर्णव ऑफिस के लिए निकल गए। मिशा इश्की और मेहर एक रूम में थे। मेहर अभी भी सैड था। ये देखकर मिशा इश्की से बोली, देखा मैंने कहा था ना ये बहुत ही जल्दी देवदास बनने वाला है, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तभी मेहर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ताजा ताजा दिल टूटा है तो थोड़ा सा तो सैड रहूंगा ना। वैसे ये बताओ रूही दी कहाँ है, मैंने आते ही उन्हें आवाज दी लेकिन वो आई नहीं। ये सुन मिशा बोली, लगता है अभी तक वो सो रही हैं। वैसे कल रात लेट से आई थी और कुछ परेशान लग रही थी। ये सुन इश्की बोली, तुमने पूछा उनसे कि क्या हुआ? मिशा बोली, नहीं वो आते ही रूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तभी मेहर बोला, अरे कुछ नहीं हुआ होगा, दोस्तों के साथ किसी बात पर बहस हो गई होगी। ये सुन मिशा और इश्की भी उसकी बातों से सहमति जताने लगी। क्या हुआ है रूही को, किस बात से है रूही परेशान, क्या चल रहा है राजवीर के दिमाग में, क्यों चाहता है वो छुपाना अपनी शादी का राज? इश्की मिशा और मेहर बैठकर बात कर रहे थे। तभी पता नहीं मिशा के माइंड में क्या आया, वो इश्की से बोली, यार इश्की ये चिराग नाम कितना अच्छा है ना, मैं ना तेरे बेटे का नाम चिराग ही रखूंगी। मिशा की ये बात सुनकर इश्की उससे गुस्से में बोली, गलती से भी मत रखियो वरना तेरे बेटे का नाम मैं अलादीन रखूंगी। इश्की की बात सुनकर मेहर जोर से हंसने लगा। फिर वो बोला, इश्की का बेबी वो भी भाई से, ये काफी अच्छा था। ये सुन इश्की मेहर को घूर कर देखने लगी। तभी मिशा बोली, बेबी से याद आया आज तो भाई का बर्थडे है। मेहर बोला, हाँ बट भाई तो अपना बर्थडे मनाते ही नहीं है। फिर मेहर इश्की की तरफ देखकर बोला, वैसे तुम क्या गिफ्ट दे रही हो भाई को? ये सुन इश्की ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, इस शादी को निभा रही हूँ क्या ये काफी नहीं है? तभी रूही रूम में आई और इश्की को देखकर बोली, हे गाइस क्या हो रहा है? मेहर बोला, भाई के बर्थडे पर डिस्कशन। रूही बोली, ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक है? हमेशा की तरह इस बार भी भाई का बर्थडे ऐसे ही जाएगा। ये कहते हुए रूही कुछ सोचने लगी, फिर आगे बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई ऐसे क्यों हो गए हैं। ये सुन मेहर बोला, ये कहते हुए अफसोस है मुझे, लेकिन इश्की चाहे तो आज भाई के लिए कुछ कर सकती है। ये सुन इश्की ने मेहर की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मुझे भूखे शेर को उठाने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी तुम सब बच जाओगे लेकिन मुझे तो उनके साथ ही रहना है, मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी मिशा बोली, लेकिन इश्की अगर तू इस रिश्ते से ऐसे ही भागती रहेगी तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा, तुझे ही तो एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। मिशा की ये बात सुनकर रूही बोली, क्या बात है मिशी, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी समझदार है। ये सुन मिशा अकड़ के साथ बोली, अभी तुम अच्छे से जानती कहाँ हो मुझे। रूही बोली, अच्छा ठीक है लेकिन तू ये क्या पी रही है? रूही की बात से सबका ध्यान मिशा के हाथ में पकड़े कोल्ड ड्रिंक पर गया। तभी मेहर बोला, कोखी तो पी रही है। फिर मिशा की तरफ देखकर बोला, वो भी अकेले अकेले, मैं दो बार मांग चुका हूँ तब भी नहीं दी, कह रही थी खुद ले आ। उसकी बात सुन रूही बोली, नहीं नहीं ये सिर्फ कोक नहीं है, दिखा मुझे एक बार। ये कहते हुए रूही मिशा के हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करने लगी लेकिन मिशा ने उसे ड्रिंक नहीं दिया। तभी बाहर बैठे अर्णव उनका शोर सुनकर रूम में आए और उनको देखते हुए बोले, अरे यार कितना शोर करते हो तुम सब, और मिशा रूही तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये सुन रूही बोली, डैड एक बार आप मिशा की ड्रिंक चेक करिए जरा। ये सुनते ही मिशा नाटक करते हुए बोली,
अरे यार, कोई इस छोटी सी बच्ची को शांति से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने देता है। तभी अर्णव मिशा के हाथ से ड्रिंक लेकर बोले, वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी शैतान है। फिर वो ड्रिंक को सूंघते ही मिशा को घूर कर देखने लगी। मिशा मासूम बनते हुए बोली, वो डैड ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी वाइन मिलाई है। ये कहते हुए वो इशारे से बताने लगी। तभी अर्णव बोले, वैसे तुम्हें ये वाइन मिली कहां से? ये सुनते ही मिशा धीमी आवाज में बोली, आपके स्टडी रूम से। फिर अपनी सफाई देते हुए आगे बोली, बस थोड़ी सी चुराई है, कसम से। उसकी बातें सुन अर्णव बोले, इस बार जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें राजवीर के हवाले कर दूंगा। ये कहते हुए अर्णव वहां से चले गए। वहीं उनके जाते ही मिशा गुस्से से रूही को घूरने लगी। लेकिन रूही ने मिशा को इग्नोर करते हुए इश्की से पूछा, तो बताओ इश्की, क्या सोचा है तुमने? क्या भाई के बर्थडे के लिए कोई और प्लान है? इश्की बोली, ठीक है, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो एक ट्राई करती हूँ कुछ करने का, लेकिन अगर वो गुस्सा हो गए तो आप सब भी लपेटे में आओगे। तभी मेहर बोला, अरे अगर भाई ने मेरा प्यार छीनकर खुद उससे शादी कर ली तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। मेहर की बात सुनकर मिशा ने पूछा, मेरा प्यार मतलब? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मिशा की ये बात सुन रूही, इश्की और खुद मिशा हंसने लगी। वहीं मेहर का मुंह बन गया। फिर इश्की बोली, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। रूही बोली, अरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक केक बना दो भाई के लिए। रूही की बात सुनकर मिशा हंसते हुए बोली, फिर से इसे कुछ बनाने को कह रही हो, कल जो हलवा खाया था वो कम था क्या? ये सुनते ही इश्की गुस्से से बोली, तुम शायद भूल गई हो कि उस हलवे की वो हालत तुम्हारी वजह से हुई थी। रूही दोनों को शांत करवाते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, और इश्की तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ किचन में रहूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या चीज कब और कैसे करनी है, ठीक है? ये सुन इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रूही बोली, तो ठीक है चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों नीचे किचन में चली गई और रूही इश्की को चॉकलेट केक बनाना सिखाने लगी। रूही उसकी हेल्प कर रही थी कि तभी किचन में कोमल आ गई और उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुन रूही बोली, मॉम वो आज भाई का बर्थडे है ना, तो मैं इश्की को केक बनाना सिखा रही हूँ। कोमल जी बोली, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो। मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन बेटा रिश्ता प्यार से निभाया जाए तो उम्र की दीवार भी टूट जाती है। इश्की उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस अपनी पलकों को झुका लिया। फिर कोमल वहां से चली गई। कुछ देर में केक बन गया, तभी रूही केक देखकर बोली, लो इश्की केक तो बनकर रेडी है, लेकिन भाई रात तक आएंगे, तुम एक काम करो इसे तब तक फ्रिज में रख दो। इश्की रूही की बात सुनकर केक लेकर उसे फ्रिज में रखने चली गई, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी इसलिए इश्की ने केक को फ्रीजर में रख दिया। फिर इश्की रूही के पास आई और उससे पूछा, दी मिशा कह रही थी कि आप कल रात किसी बात को लेकर टेंशन में थी। रूही इश्की की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गई और हकलाते हुए बोली, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस मैं थकी हुई थी और कुछ नहीं। इश्की ने कुछ नहीं कहा तो रूही बोली, अच्छा ठीक है इश्की, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, जब भाई आएंगे तो तुम केक ले जाना। इश्की बोली, ठीक है दी आप जाइए। रात का वक्त इश्की रूम में बैठकर राजवीर के आने का वेट कर रही थी। तभी उसे रूम के बाहर से किसी के आने की आवाज आई और वो तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाजा खुला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर इश्की को ऐसे अपनी तरफ आता देख दरवाजे पर ही रुक गया और सवालिया नजरों से उसको देखने लगा। तभी इश्की राजवीर के सामने जाकर थोड़ी हकलाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। राजवीर प्यार से बोला, हाँ कहो। इश्की जल्दी से बोली, हैप्पी बर्थडे। इश्की के ये कहते ही राजवीर को हंसी आ गई, लेकिन उसने इश्की के सामने शो नहीं किया और उससे पूछा, ये क्या
भला ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश करता है? ये सुन इश्की थोड़ा नर्वस होकर बोली, आपको पसंद नहीं है ना बर्थडे सेलिब्रेट करना, और आप तो गुस्से में ही रहते हैं तो। इतना कहते ही इश्की चुप हो गई तो राजवीर बोला, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया हो। ये सुन इश्की तपाक से बोली, किया तो था मंडप पर। राजवीर बोला, क्योंकि तुम चुपचाप शादी नहीं कर रही थी, और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो मुझे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। एंड आई बिलीव दैट बर्थडे मीन्स वन ईयर ऑफ आर लाइफ इज लेस। इश्की राजवीर की तरफ देख कर बोली, ये कैसा बिलीव हुआ? मुझे तो लगता है कि बर्थडे वाला दिन एक ऐसा दिन है जो हमारा है, इस दिन को तो हमें खुलकर एंजॉय करना चाहिए, और आप हैं कि। ये कहते हुए इश्की एकदम से चुप हो गई और थोड़ी सैड होकर आगे बोली, आप तो लकी हैं जो आपको ये पता है कि आपका जन्म कब हुआ, मुझे तो मेरा बर्थडे भी नहीं पता। बस जो डेट बर्थ सर्टिफिकेट पर है उसी डेट पर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। इश्की को ऐसे सैड होते देख कर राजवीर उसके पास आया और उसे देख बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था? तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? राजवीर की बात सुनकर इश्की खुश होकर बोली, आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से भागकर किचन की ओर चली गई, जिसे देख राजवीर मुस्कुराने लगा। इश्की ने किचन में जाकर फ्रीजर से केक निकाला, केक के ऊपर हल्की बर्फ की परत जम गई थी। ये देख इश्की ने उसे नाइफ से हटा दिया और केक लेकर रूम में चली गई और सामने रखे टेबल पर रख दिया। राजवीर ने उस केक को देखकर इश्की से पूछा, ये है मेरा गिफ्ट? इश्की तुरंत बोली, हाँ इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। राजवीर बोला, ठीक है तो चलो इसे जल्दी से कट करते हैं। राजवीर ने इश्की के हाथ में नाइफ दे दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा। लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश की तो केक कट ही नहीं रहा था। ये देख राजवीर को कुछ अजीब लगा तो उसने केक को हाथ लगाकर देखा, केक बिल्कुल आइस की तरह बहुत ज्यादा टाइट हो चुका था। राजवीर को समझ में आ गया कि इश्की ने फिर से गड़बड़ कर दी, तो उसने इश्की से पूछा, तुमने केक को फ्रिज में ही रखा था ना? राजवीर का सवाल सुनकर इश्की बोली, रोहिदी ने फ्रिज में ही रखने को कहा था, बट फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीजर में रख दिया। ये सुनकर राजवीर ने फिर से पूछा, कितनी देर के लिए रखा था? इश्की बोली, 2-3 घंटे तो हो ही गए थे। ये सुनकर राजवीर बोला, फिर तो केक का ये हाल होना ही था। इश्की अब सैड होकर बोली, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, मैं कितने अच्छे से कोशिश करती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो, मैंने कितने मन से आपके लिए केक बनाया था, उसका भी ये हाल हो गया। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को गले लगा लिया और उसके सिर को सहला कर बोला, कोई बात नहीं, तुम कौन सा जानबूझकर करती हो ये सब, तुम कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं, और रही बात इस केक की तो ये कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा, तब कट कर लेंगे, इसमें सैड होने की क्या बात है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को अपने करीब कर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। इश्की अब नॉर्मल हो गई, उसे राजवीर का ऐसे प्यार जताना अच्छा लगा। वो अपने मन में बोली, कितने अच्छे हैं ये, मैं ऐसे ही इनसे इतना डरती थी। फिर राजवीर इश्की को खुद से अलग करते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक केक को नॉर्मल होने दो। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी तो राजवीर वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद इश्की ने रूही को कॉल किया और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ वो सब बता दिया। रूही के साथ इस वक्त मिशा भी मौजूद थी और उसका कॉल स्पीकर पर था। इश्की की सारी बातें सुनकर मिशा जोर से हंसने लगी। तभी रूही उसे चुपचाप करवाते हुए इश्की से बोली, इश्की मैंने तुमसे कहा था ना कि केक को फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए। ये सुन इश्की बोली, हाँ तो फ्रिज भरा था ना तो मैंने फ्रीजर पर रख दिया, उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था। ये सुन रूही अपनी बातों पर जोर देते हुए बोली, ये कॉमन सेंस की बात है, उसमें मैं क्या बताती। इश्की बोली, तो मुझे कैसे पता चलेगा दी, मैं पहले कभी उसमें कुछ रखती तो पता होता ना। रूही बोली, हाँ तो स्कूल में साइंस में पढ़ा तो होगा ना। ये सुन इश्की तपाक से बोली, मैंने ना साइंस सिर्फ 10th तक ही पढ़ी थी, और वो भी सिर्फ इतनी जिससे मैं पास हो सकूं। रूही ने फिर इश्की से पूछा, पर तुम तो एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। इश्की बोली, स्कॉलरशिप तो मुझे स्पोर्ट कोटा से मिली थी,
वरना मेरे मार्क्स देखकर तो कॉलेज के गेट से ही निकाल देते, रूही बोली। अच्छा ठीक है, वादों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब केक को ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा। ये कहते हुए रूही ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी राजवीर भी फ्रेश होकर आ गया। इस वक्त वो लोअर टी शर्ट में था और उसके बाल गीले थे। इश्की राजवीर को देखते ही रह गई। राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके फेस के सामने चुटकी बजाई। तब इश्की को होश आया और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। राजवीर इश्की से बोला, आई थिंक अब केक नॉर्मल हो गया होगा, ज्यादा नहीं तो काटने लायक तो हो ही गया होगा, तो चलो कट करते हैं। ये कहते हुए राजवीर ने फिर से इश्की को नाइफ दे दिया और उसका हाथ पकड़कर केक को कट करने लगा। उसके बाद राजवीर ने इश्की को केक खिलाया और फिर इश्की ने राजवीर को खिलाया और अपनी तारीफ सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लगी। ये देख राजवीर को बात समझ में आ गई तो वो इश्की के गाल पर किस करते हुए प्यार से बोला, बिल्कुल इतना ही टेस्टी है केक। राजवीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इश्की हैरानी से उसे देखने लगी। फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें नीची कर ली। राजवीर ने ये देख मुस्कुराते हुए इश्की को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ चला गया। अगली सुबह हमेशा की तरह इश्की घोड़े बेचकर सो रही थी और राजवीर पहले ही उठकर रेडी हो चुका था। रेडी होकर राजवीर इश्की को उठाने की कोशिश करने लगा लेकिन वो नहीं उठी। फिर राजवीर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और ले जाकर उसे बाथ टब में लिटा दिया। बाथ टब में जाते ही इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने सामने राजवीर को देखा तो उसने थोड़े गुस्से से पूछा, ये क्या है, ऐसे कोई किसी को उठाता है क्या? ये सुनकर राजवीर बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि टाइम पर उठने की आदत डाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बाथ टब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की बोली, लेकिन इतनी जल्दी उठना क्यों है? राजवीर बोला, तुम भूल गई क्या, तुम्हारा आज से कॉलेज खुल रहा है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? राजवीर की बात सुनकर इश्की उसे दोहराते हुए बोली, कॉलेज? राजवीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, हाँ कॉलेज, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये कहते हुए राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया। इश्की खुद से ही बोली, सच में डेविल है ये, रहम नाम की चीज ही नहीं है, इतनी सुबह सुबह मासूम बच्ची को कोई बाथटब में फेंकता है क्या भला? कुछ देर बाद इश्की बाथरूम से ही अपना सिर निकालकर बाहर देखने लगी। उसे राजवीर सोफे पर बैठा दिखा तो इश्की वहीं से चिल्लाकर बोली, सुनिए रूम से बाहर जाइए आप। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ इश्की का छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। राजवीर ने इश्की से पूछा, क्यों, मैं बाहर क्यों जाऊं? इश्की बोली, क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही बाथरूम में लाकर पटक दिया, मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, आप रूम से बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। राजवीर उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, क्यों, मैं क्यों जाऊं, अब तो हमारी शादी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। इश्की ने पूछा, तो आप बाहर नहीं जाएंगे? राजवीर बोला, नहीं। इश्की बोली, ठीक है मत जाइए, मैं भी पूरे दिन यहीं रहूंगी। ये सुन राजवीर बोला, ठीक है रहो। इश्की ने यह सुनते ही बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। ये देख राजवीर मुस्कुराने लगा। फिर वह बाथरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं, तुम रेडी हो जाओ। ये कहकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद इश्की ने बाथरूम का गेट खोलकर बाहर झांक कर देखा तो उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। तब वो बाहर आकर रेडी होने लग गई। कुछ देर बाद मिशा और इश्की दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर का ऑफिस। राजवीर अपने मीटिंग रूम में था और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था। राजवीर एक एक करके सारी फाइल्स को फेंक रहा था। वहीं उसने दो एम्प्लॉयज को सस्पेंड भी कर दिया था। राजवीर अपने फिनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 करोड़ के रिकॉर्ड नहीं है इसमें, इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएंगे तुम्हें ये पैसे वापस करने में। वो मैनेजर डर से कांप रहा था। वो अपनी सफाई देते हुए बोला, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लिए गए थे बट इसकी कोई अपडेट हमें नहीं दी गई थी। ये सुनकर राजवीर ने पूछा, उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? तभी राजवीर का असिस्टेंट समर बोला, सर हमने पता लगाया, उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर राजवीर बोला,
तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है? मुझे वो 2 घंटे के अंदर अंदर यहां चाहिए। समर से ये कहने के बाद राजवीर फिर अपने मैनेजर से बोला, गलती तो तुमने भी की है, इसलिए तुम्हारी अगले 3 महीने की सैलरी हाफ की जाती है। ये कहते ही राजवीर मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में चला गया। वहीं उसके पीछे पीछे समर भी चला गया। राजवीर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और समर को देखते हुए पूछा, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था तो अभी तक तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सुनकर समर बोला, सर मुझे आपको कुछ और भी बताना है। ये सुन राजवीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या कहना है जल्दी बोलो। समर बोला, सर संजना का क्या करना है? वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर राजवीर बोला, करना क्या है? उन फोटोज को लीक कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। समर ने पूछा, सर क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? राजवीर बोला, वो खुद सामने से चलकर आई है पत्थर पर सिर मारने, तो सिर तो उसी का फूटेगा ना, और दर्द भी उसे ही सहना पड़ेगा। रही बात मेरी, तो राजवीर सिंघानिया को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की की फोटो को देखा जो उसने अपने डेस्क पर रखी हुई थी। वो अपने मन में बोला, माना कि तुम एक इंसान हो पूरी दुनिया के लिए, मगर पूरी दुनिया हो किसी एक इंसान के लिए। कॉलेज में इश्की और मिशा के 2 लेक्चर्स खत्म हो गए थे। तभी इश्की मिशा से बोली, मिशा चल ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मिशा बोली, यार तेरे को क्या इतना एक्टिंग का भूत चढ़ा है? तुझे अच्छे से पता है ना मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। ये सुन इश्की बोली, हाँ पता है मुझे, और तुझे कैसे होगा एक्टिंग का शौक? रियल लाइफ में तू इतनी एक्टिंग कर चुकी है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये कहते हुए इश्की हंसने लगी। तभी मिशा गुस्से से बोली, हो गया तेरा? इश्की बोली, अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो, अब तू ऑडिशन मत दे, तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लियो। मिशा बोली, चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहां की डायरेक्टर वो फैटी है। इश्की बोली, इसलिए तो कह रही हूँ, चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भाग लेंगे तो क्लास में भी नहीं जाना पड़ेगा और हमें वो बोरिंग क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ेंगी। इश्की की बात सुनकर मिशा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई और दोनों ड्रामा क्लब चली गईं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑडिशन देने आए थे। तभी इश्की की नजर रूही पर गई और इश्की ने उसके पास जाकर पूछा, दी अभी किसके लिए ऑडिशन होगा? रूही बोली, प्रिंसिपल सर ने कहा है रामायण की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है, तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। तभी वहां मिशा और इश्की का एक दोस्त करण आ गया है। वो उन दोनों को देखकर बोला, क्या बात है, रामायण प्ले होने वाला है, तब तो मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। ये सुन मिशा तपाक से बोली, हाँ ये अच्छा है, तू रावण बन जा। मिशा की बात का जवाब देते हुए करण बोला, हाँ और तू ताड़का बन जा। ये सुन मिशा एक्टिंग करते हुए बोली, अबे मैं तेरे को रावण बना रही हूँ और तू मुझे ताड़का, कम से कम सुपर्णखा तो। उसके इतना कहते ही बीच में रूही बोली, चुप करो तुम दोनों, जिसे भी जो रोल करना है उसका ऑडिशन दो पहले। ये सुन मिशा बोली, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं प्रोडक्शन ज्वाइन करने आई हूँ, एक्टिंग के लिए तो इश्की आई है। उसके बाद सुन रूही ने इश्की से पूछा, इश्की तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दोगी? इश्की बोली, दी मैं सीता माता के लिए ऑडिशन दूंगी। इश्की की बात सुनकर करण जल्दी से बोला, तब तो मैं राम जी के रोल के लिए ऑडिशन दूंगा। ये सुन इश्की करण की तरफ देखने लगी, तुम राम जी बनोगे? तुम्हें तो कोई अंगद की पूंछ भी ना बनाए। इश्की की ये बात सुन मिशा जोर से हंसते हुए बोली, ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात, आखिरकार मेरा बदला ले लिया तूने। ये कहते हुए दोनों ने हाई फाइव दिया। उसके बाद रूही सभी को रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट देने लगी। फिर सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग गए। कुछ देर बाद एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ। इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आई और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए, सिर्फ राम जी के कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने लोगों ने भी राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई। रूही बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं है। तभी वहां पर मेहर आ गया और बोला, सरप्राइज,
मेहर को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मिशा ने पूछा, तुम यहां कैसे आई? मेहर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, वेल, मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो क्यों ना मैं भी यहीं एडमिशन ले लूं। तो मैंने तुम्हारे कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया है। ये सुनते ही मिशा मजाक में बोली, मतलब हम घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेलें। मेहर बोला, शट अप मिशा, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। मिशा बोली, हाँ तो मैंने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी हैं। तभी रूही गुस्से से बोली, हो गया तुम दोनों का, एक तो मुझे मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों हो कि लड़े जा रहे हो। उसकी बात सुन मेहर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्ट्रेस कौन है? रूही बोली, इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मेहर बोला, ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूं, और दी आप तो जानती हैं कि मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। मिशा बोली, हाँ तो ये रोल राम जी का है। मेहर बोला, तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखा देता हूं। फिर मेहर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। रूही खुश होकर बोली, तुमने तो बहुत अच्छा किया मेहर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूंगा? रूही बोली, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण बोला, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूंगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर करण बोला, ठीक है इससे अच्छा तो मैं रावण ही बन जाता हूँ। रूही बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में है, गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, चुप कर वो इतने भी बुरे नहीं है। इश्की की बात सुनकर मिशा उसे हैरानी से घूरने लगी। उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है, भाई ने इन दो दिनों में ऐसा क्या किया है जो तेरी वाणी ही बदल गई, बता मुझे। इश्की बोली, कुछ नहीं किया है और वो इतना गुस्सा नहीं करते हैं, वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं। मिशा बोली, अच्छा गुस्सा नहीं करते, ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते हैं, नहीं तो गुस्सा उनके नाक पर रहता है। इश्की ने पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने? तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मिशा बोली, बेटा तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी, वाह रे प्यार। ये सुन इश्की बोली, प्यार नहीं बस साथ रहकर पता चल गया। मिशा बोली, अच्छा जी आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने उनका गुस्सा नहीं देखा है। इश्की बोली, हाँ तो क्या हुआ, मेरे लिए तो अच्छे हैं ना। दोनों ये सब बातें कर ही रही थीं कि तभी उनके पास रूही आई और फोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? इश्की ने पूछा, क्या दी? रूही बोली, अरे संजना की फोटो वायरल हो रही है, वो भी इंटीमेट वाली। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रही हैं? वो दोनों भी उन फोटोज को देखने लगी। तभी मिशा बोली, इस पिक में लड़के का बैग पूरा राजवीर पाई की तरह लग रहा है। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है, दूसरी पिक में देखो लड़के का फेस दिख रहा है। क्या होगा जब संजना को ये पता चलेगा आखिर कौन है वो लड़का, क्यों किया राजवीर ने संजना की फोटोज को लीक। ये जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए एक जबरदस्त ऑडियो सीरीज डेविड से शादी।